भारत टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। आगामी 29 तारीख को यहां अमित शाह पधारेंगे, जिसके बाद बीजेपी नेताओं का काफ़ी आना जाना और मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस तरह से स्टेज बनाए जा रहे हैं, किस तरह से क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, कहां कहां सुरक्षा कर्मी रहेंगे और कहां से डी एरिया रहेगा। मैदान भी लंबा होता तब तो ठीक रहता है, सीधा दीवार पे आप वहाँ से तो मैदान लंबा है, लेकिन हाइट कुछ ज़्यादा ही होगा। हम जहाँ से बस वहीं से लेंगे गाड़ी आ जाएगी। पब्लिक कहाँ से आएगी? इधर से और इधर से। पार्किंग किधर? ठीक है, बाहर से जाने वाला वो अलग अलग, इधर चौड़ा उस जो है तीन एंट्री गेट वाला। हम तो दे रहे थे, पहले हम घर बना रहे थे, लेकिन उसकी लाइट यही टाइम रहेगा तो सीधे मंच पर थोड़ा सा उत्तर मुँह करके ठीक रहे। हम बात ठीक है ना, आपका आधार यहाँ पर दो दो या तीन दो एक पहले से बना हुआ बुरा जाएगा। ठीक, वो अलग अलग करने के अच्छी रहेगा तो अच्छा, तो जब आएंगे तो बंद रहेगा। हाँ, और दूर टाइम से क्या आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सभा स्थल का निरीक्षण करने गांधी मैदान पहुंचे स्थानीय विधायक सह नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ कई कद्दावर भाजपा नेता। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने क्या कहा, सुन लीजिए। देखिए, पहली बार लखीसराय के धरती पर देश के गृह मंत्री जी का आगमन है, लोग बहुत उत्साहित हैं और ये श्री बाबू का धरती रहा है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री ने जो बिहार के नवनिर्माण में इतिहास रचा है, देश के गृह मंत्री आकर उस बिहार के नवनिर्माण का जब शंखनाद करेंगे, बिहार के अंदर एक बदलाव का शुरुआत होगा। कहे हमारे चारों केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े स्टेट के केंद्र के बड़े लीडर सभी रहेंगे। अभी देखिए, हमारे राकेश सिन्हा जी सांसद भी हैं, राज्यसभा के प्रवक्ता भी हैं, कई बड़े चेहरे रहेंगे। इस दौरान वे पीडीए गठबंधन पर भी निशाना साधा। अब सोच लीजिए, ये पीडीए वही पीडीए है, वही पीडीए है जो आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध को संरक्षित करने का तुष्टिकरण की राजनीति करता है। हर पार्टी उसके अंदर जो है वो तुष्टिकरण के राजनीति के बल पर अपनी सत्ता बचाता है। और ये पीडीए जो बन रहा है, ये राष्ट्रवादी नहीं, ये राष्ट्र को कमजोर करने वाले लोगों की जमात है। देश की जनता निर्णय करे कि देश के हर कोने में बम विस्फोट होता था, यही कांग्रेस के नेतृत्व में जो अपने को राष्ट्रवादी कहता है बम विस्फोट करने वाला, यही लोग की जमात थी। आज देश के अंदर बम विस्फोट नहीं होता है, पीएफआई पर लगाम लग रहा है, लेकिन बिहार के धरती पर नाथनगर, भागलपुर, बिहार शरीफ, बांका में मस्जिद में बम विस्फोट होता है, कई लोग मरते हैं, उसकी जांच तक नहीं होती है। ये राष्ट्रवादी नहीं, ये राष्ट्र को कमजोर करने वाले लोगों की, भ्रष्टाचारियों की जमात है। इस जमात के विरुद्ध जनता का जनमत और जनादेश आएगा। लखीसराय से नवभारत टाइम्स के लिए संतोष कुमार पांडे।